जैसे स्थूल और सूक्ष्म, उसमें 100% प्रतीति हो जाती है कि ये गलत है? ये तो हो जाती है, यानी क्या है कि वो हो जाने के लिए तो ये सत्संग है हमारा। आज तक तो मैं शुद्धात्मा उतनी ही प्रतीति बैठी है, पर दोष है वो कहाँ पहले समझ में आता था। सत्संग से हमें समझ में आने लगा कि इसको ये भी दोष बोला जाता है, स्थूल दोष है। किसी को दुख पहुँचता है वो फर्स्ट लेवल, उसको स्थूल दोष बोला जाता है। किसी को दुख देते नहीं मगर फिर भीतर में दुखी होते हैं, द्वेष होता है, अभिप्राय आते हैं, अब नौंद आती है, किसी के प्रति तिरस्कार हो जाता, भीतर ही भीतर, तो सूक्ष्म दोष सेकंड लेवल। तो ये ज्ञान की यानी सत्संग से हमें दृष्टि में आया कि ये दोष इस प्रकार हो जाते हैं। यानी प्रतीति अभी बैठी, वो भी 100% नहीं बैठी है। जैसे विषय में सुख नहीं है वो अभी 100% बैठ गई, सचमुच तो 85% 75% बैठी होगी, और थोड़ा बाकी रह जाता कुछ तो है। ऐसे ये विषय में सुख नहीं है वो 100% बैठना चाहिए, ऐसे मान में सुख नहीं है, लोभ में सुख नहीं है, कर्तापन में सुख नहीं है, वो भी 100% बैठना चाहिए। और वो 100% सचमुच क्या है कि 100% बोला कभी जाएगा तो उसको ये क्या है कि जितना उसने सुना है, जितना उसने देखा है, जितना समझ में आया उतना परसेंट उसको फिट होता है कि ये इस प्रकार कर्तापन है, वो गलत है। तो कोई किसी को 50%, कोई 40%, 30% वो प्रतीति बैठती है, और बाद में थोड़ी थोड़ी जागृति 10% 5% जागृति आती है। ऐसे धीरे धीरे वो स्टेपिंग से बढ़ रहा है, दोष का स्वरूप को समझना और उसके ऊपर ये गलत है ऐसी प्रतीति बैठना, और शुरुआत हुई 5% 10% 30% 40%। 100% हो गया तो उसको कभी भी जब भी गलती उत्पन्न हो जाएगी तभी उसको जागृति आ ही जाएगी ये गलत है। ये तो कोई बताता है तभी भी कभी कितनी बार जागृति नहीं आती, तो ये कितना आवरण है अभी। प्रतीति के लिए तो सत्संग आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है, और 5 आज्ञा पालन करना भी आवश्यक है, विधि वांचन सामयिक प्रतिकरण बहुत आवश्यक है। और जितनी प्रतीति उतनी जागृति के, हाँ नहीं 10% प्रतीति बैठेगी तो 3% जागृति आएगी, और धीरे धीरे 1% अनुभव उत्पन्न होएगा। ऐसे तीनों का स्टेपिंग है। 100% जागृति आ गया, प्रतीति बैठेगी तो 15-20% जागृति रहेगी, 2% अनुभव होता है, ऐसे स्टेपिंग है तीनों का। और 2% अनुभव तो 2% चारित्र बोला जाएगा, वर्तना। तो प्रतीति बढ़ाने के लिए क्या जागृति, तो सत्संग है और जागृति, जागृति बढ़ाने के लिए करनी चाहिए कि प्रतीति बढ़ाने के लिए? जागृति बढ़ाओ यानी समझ करोगे तो प्रतीति फिट होते ही जाएगी। इसमें क्या है कि प्रतीति मैं शुद्धात्मा को कृपा से मिल गई, और ये दोष निकालने की प्रतीति तो सुनोगे मान इस प्रकार गलत है, तब हमें श्रद्धा बैठेगी, नहीं दादाजी ने बताया ये करेक्ट है तो प्रतीति बैठेगी। यानी क्रमिक मार्ग जैसा, ज्ञान सुनेंगे बाद में श्रद्धा बैठेगी, थोड़ा थोड़ा अनुभव उत्पन्न होएगा, चारित्र में आएगा, ऐसे स्टेप में जाएगा ये। और ये ज्ञान तो दादाजी ने 1 घंटे में दिया तो 100% प्रतीति बैठ गई, और ये अभी सुना मान गलत है, किसी को दुख देना गलत है, तो अभी वो सुनने के बाद उसके ऊपर हमारी श्रद्धा बैठती है कि नहीं दादाजी ने बताया मैं दुख देता हूँ गलत है, तो प्रतीति उसकी शुरू हुई 5% 10% अभी वो बढ़ते जाती है। वो सुनते जाते हैं डिटेल में कि किस प्रकार गलती हो जाती है, दुख किस कितने प्रकार से हम दुख दूसरे को दे देते हैं, तो सभी प्रकार के ऊपर हमारी श्रद्धा बैठती है कि नहीं गलत है, ऐसे दुख नहीं देने चाहिए, तो उतने परसेंटेज प्रतीति बैठी बोला जाएगा। सुना है, पहले सुनने में ही नहीं आया तो हम दिखाई कैसे देगा हमारा दोस्त। तो ये सत्संग सुनते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि ना ये बात सही है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो वो क्या प्रतीति चेंज होते रहती है, प्रतीति बैठते जाती है, दिल से एक्सेप्ट होता है, उल्लास से, आनंद से, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, नहीं ये बहुत में किसी को खुद के दोष दिखाई भी देते हैं कि यहाँ सत्संग सुनते जाते हैं भीतर में जागृति आती है, हाँ इस प्रकार तो मेरे दोष होते ही है, गलत है, नहीं होना चाहिए, तो प्रतीति उसकी शुरू हो जाती है, श्रद्धा बैठ गई उसकी। इसके लिए प्रत्येक सत्संग का महात्मा है ना,
क्योंकि हम खुद पढ़ के कितने दोष हमारे बैठे जागृति में आएंगे, ये सुनते जाते हैं तो तुरंत जागृति आ जाती है। और हमें तो ये भी सुनने की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे महात्मा भी सब ज्ञान वाले हैं, कोई ना कोई कोई प्रकार से हमारी गलती बताए, तो तैयारी रखनी चाहिए कि नहीं मुझे कोई बताए तो मुझे देखना है मेरी गलती, नहीं तो हम प्रोटेक्शन कर दिया, मुझे मैंने ऐसा किया ही नहीं है, तू मेरे से ज़्यादा सरदर्द मत मेरा बड़ा, तो फिर हम प्रोटेक्शन कर दिया तो गलती नहीं दिखेगी। सचमुच चांस है ये, कोई शब्द भी बोले, कोई कोई अंगुली निर्देश करेगी इसने ये किया, तो हमें नोट करना चाहिए कि ऐसे क्यों दिखाई देता है उसको, ज़रूर हमारे में गलती होनी चाहिए, तो हमारी जागृति बढ़ेगी और धीरे धीरे दोषों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। और मुझे सत्संग में प्रतीति बैठती है, मान गलत है उसमें से निकलना चाहिए, वो प्रतीति बैठ रही है, पर फिर भी व्यवहार में कभी मान खा लिया तो प्रतीति फिर डिस्टर्ब होती है, या जो प्रतीति वो जितनी बैठी तो वो तो रहेगी, रहेगी, वो बढ़ते जाएगी, ये पिछला दोष उदय में आया और उसने वो जागृति जागृति नहीं नहीं रही। रही, जागृति नहीं रही बोला जाएगा, प्रतीति के वजह से तो वापस जागृति आती है, वो दोष समझ लो कुछ गर्व रस खा लिया, कुछ अपमान मीठा लग गया, तो 2 घंटे 4 घंटे के बाद जागृति आएगी, अरे गलती तो हो गई है, ये सबने किया और मैंने सर पे ले लिया, मैंने किया बहुत अच्छा किया, ये मेरी गलती है, तो ये जागृति आती है, प्रतीति बैठने के वजह से जागृति आती है। पुरुषार्थ प्राकृत दुर्गुणों के सामने बिना राग के तो लाइफ ही नहीं बीती होगी किसी की। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक राग और द्वेष दोनों ही करते रहते हैं, तीसरी चीज होती ही नहीं। राग और द्वेष, मेरा बेटा थोड़ा बिगड़ गया है उसको सुधारना चाहिए, स्थूल दोष भी आ गए, सूक्ष्म भी आ गया, सूक्ष्मतर भी आ गया, सूक्ष्मतम सब आ गए, सुधारने गए उसको दोषित देखा वो बिगड़ गया, वही दोष है। सचमुच प्रकृति भरा हुआ माल निकलता है, हमें बुद्धि बताती है बिगड़ गया उसको सुधारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, समझता नहीं है, कितने नेगेटिव अभिप्राय उत्पन्न हो जाते हैं, प्रिजुडिस प्रिजुडिस हो जाते हैं, वेद सुनेगा ही नहीं, सामने आर्ग्यूमेंट करता है, तो ये सूक्ष्म दोष तो भीतर में चालू ही रहते हैं। और मैं बाप हूँ, मेरा बेटा है, वो ममता अहंकार राग द्वेष, राग द्वेष मेरा बेटा अच्छा होना चाहिए वो अपेक्षा, तो वहाँ ही राग के वजह से द्वेष और द्वेष और राग के वजह से सब प्रकार के दोष भीतर में उत्पन्न हो ही जाते हैं। प्रश्न करता, लेकिन दादा द्वेष वह तो राग का ही फर्जंद बच्चा है ना। दादाश्री, हाँ वह उसी का फर्जंद है, लेकिन उसका परिणाम है, फर्जंद यानी उसका परिणाम है। राग अधिक मात्रा में हुआ ना, जिस पर राग करते हैं ना, वह एक्सेस बढ़ जाए फिर उस पर द्वेष होता है। कोई भी चीज़ उसकी सीमा से बाहर चली जाए ना, तो आपको अप्रिय लगने लगेगी और अप्रिय लगे वही द्वेष। समझ में आया? कितना सिद्धांत खुला किया, कोई भी चीज़ सीमा से बाहर ज़्यादा हुआ तो फिर अप्रिय लगने लगेगी, तो अप्रिय वो द्वेष है और नॉर्मलिटी के बिलो है तो मीठा लगता है, प्रिय लगता है तो वो राग है। राग और द्वेष सूक्ष्म डिमार्केशन दादाजी ने खुला किया है, द्वेष राग का एक्सेस हो गया तो द्वेष होता है, और राग और द्वेष के मूल कारण क्या कहाँ है तो स्वरूप की अज्ञानता, ये खाने वाला कौन है करने वाला कौन है खुद जानता ही नहीं, मैं ये हूँ वो अज्ञानता, मैं एक शुद्धात्मा हूँ नहीं समझ में आया और मैं चंदू हूँ मान लिया, वो अज्ञान से बाद में चंदू के साथ अच्छा व्यवहार किया तो राग, बुरा व्यवहार किया तो द्वेष, तो ये राग द्वेष अज्ञानता से खड़े हुए। करता, हाँ समझ में आ गया दादाश्री, वह तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ही रिएक्शन आए हैं सभी, आप उसे सामने वाले को मान से बुलाएं और आपको उसका मुंह फूला हुआ दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि
यह हमारा ही रिएक्शन है। हम अच्छी तरह व्यवहार करना चाहते हैं, फिर भी वो मोड़ के चले गया, टेढ़ा मुँह रखता है, मुँह फुला के चलता है, तो हमें दिखाई देता कि इसके दिल में हमारे प्रति प्रेम नहीं आता है, द्वेष है कुछ। तो ये द्वेष हमारे कॉजेस की इफ़ेक्ट के आधार से है, वो खुद गुनहगार नहीं है, हमारा ही रिएक्शन है। हमें व्यवहार अच्छा करने की इच्छा है, फिर भी वो बुरा व्यवहार करता है, तो वो करने बुरा व्यवहार वो हमारे कॉजेस की इफ़ेक्ट है, हमारे एक्शन का रिएक्शन है, वो दोषित नहीं है। और हमें वो दोषित दिखाई दिया तो भी प्रतिक्रमण करना है, और ये रिएक्शन हमारे कॉजेस के, तो हमारे कॉजेस के भी प्रतिक्रमण करने हैं कि हमारे निमित्त से उसको मुँह फुला हुआ करना पड़ता है। पूज्य सिंह, 50% प्रतीति हुई है तो फिर बाद में स्थूल दोष देखते हैं, सूक्ष्म देखते हैं, तो फिर बाद में सूक्ष्मतर दिखेंगे। जब तक जागृति बढ़ाते रहो। नहीं नहीं दादाजी, क्या बताया, सिंपल, स्थूल साफ करो, फर्स्ट लेवल सुधारो, सेकंड लेवल सुधारो, धीरे धीरे अपने आप आगे का आएगा। क्योंकि ये करने जाओगे सूक्ष्मतर जागृति, ये बुद्धि से हम सेट करने के, ये लगभग समझ गया मैं सूक्ष्मतर यह है, ये सूक्ष्मतम है, मगर बैठा है कहाँ पे, रिलेटिव सीट में बैठ के ही देखना चाहता है। तो इसके लिए अनुभव से हम आगे जाना चाहते हैं कि स्थूल दोष जागृति से हम निकाल सके, अनुभव में आ जाए कि नहीं, किसी को दुख दे के हम कभी सुखी नहीं हो सकते, किसी को दुख दे के हमारा मोक्ष कभी नहीं हो सकता, उतना तो हमें अनुभव हो ही जाए। और स्थूल दोष यानी किसी को दुख देने की वाणी या वर्तन या कुछ बुरे व्यवहार हुआ, हो ही नहीं जाए, इतनी जागृति भीतर में स्ट्रांग रहे कि मुझे क्या संसार में चाहता है, मैं क्यों उसको दुख देता हूँ, दुख रिलेटिव सब डिवैल्यू करके भी किसी को दुख नहीं पहुँचे, जबरदस्त जागृति में आया तो स्थूल टकराव जीत गया। सूक्ष्म बाद में नियम है, को प्राइमरी जीत, बच्चे को स्कूल में बिठाना, प्ले ग्रुप में बैठेगा तो प्ले ग्रुप वाले उसको जूनियर के जिम भेज देंगे, जूनियर वाला सीनियर में भेज देगा, सीनियर वाला फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो उसको सेवन्थ में कभी बिठाने का, तुम मेहनत मत करो, उसको के जिम बैठा दो, वो अपने आप आगे बढ़ेगा। अभी से उसको सेवन्थ स्टैंडर्ड में बिठाओगा तो ये सब कच्चा रह जाएगा ज्ञान। तो ये हमें भी ऐसा ही है, प्राइमरी लेवल जीतो, किसी को दुख ना हो जाए, कषाय से, विषय से, मोह से, मान से, स्थूल में नहीं आना चाहिए, और बाद में सूक्ष्म में उत्पन्न हो गया तो उसको भी हम मोड़ सके, भीतर ही उत्पन्न होएगा और हम जागृति आ गई, नहीं दोष नहीं देखने, निर्दोष देखना है, नेगेटिव नहीं देखना है, कोई सफरिंग आ गया किसी के वजह से, वो हमारी गलती है, मैं विशेष हूँ, मेरा अहंकार मान लिया, इसके लिए मुझे किसी का दोष नहीं है। तो हम सूक्ष्म पहले स्थूल जीतो, सूक्ष्म जीतो, बाद में सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम की बात अपने आप आएगी। एक प्राइमरी हो गया पूरा, बाद में सेकेंडरी पूरा होएगा, बाद में हायर सेकेंडरी आएगा सूक्ष्मतर, बाद में पी कॉलेज आएगा, उसके ऊपर PhD आएगा, अपने आप स्टेपिंग से जाइए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 100% प्रतीति होएगी तभी सूक्ष्मतर दोष दिखेंगे? नहीं, 100% 100% का छोड़ो, और ये पहले सूक्ष्म नियम क्या है कि स्थूल खत्म होएंगे तो सूक्ष्म जागृति बढ़ेगी, सूक्ष्म खत्म हो गए तो सूक्ष्मतर जागृति में आएगा, सूक्ष्मतर और कम होते जाएंगे, खत्म तो नहीं हुए तो भी सूक्ष्मतम की जागृति शुरू होगी, यानी स्थूल कम हुए तो सूक्ष्म जागृति बढ़ेगी, सूक्ष्म दोष टकराव के सामने जागृति बढ़ेगी, स्थूल कम होना चाहिए। स्थूल ही जबरदस्त आर्ग्यूमेंट करता है, किसी को क्रोध से दुख देता है, किसी के प्रति द्वेष रखता है, सभी को नेगेटिव बातें करते रहता है, तो फिर उसको सूक्ष्म दोष की जागृति आना मुश्किल है। पहले स्थूल दोष कम होना चाहिए, किसी को दुख देना, किसी को छोटी चाय में शक्कर कम है झगड़ा कर दिया, चाय ठंडी आ गई कप और रखा भी फेंक के झगड़ा करेगा, ठंडा है नहीं चाहिए, तो स्थूल दोष खत्म नहीं हुए तो सूक्ष्म जागृति आने की बात छोड़ो, सूक्ष्म दोष के ऊपर जागृति बाद में आएगी, स्थूल कम होने दो। तो क्या करना चाहिए? प्रतिक्रमण करना, अन्य कोई उपाय नहीं है जगत में। तो तब इस जगत के लोग क्या करते हैं, पेज नंबर 47, उस पर वापस मुंह फुलाते हैं, अर्थात जैसा था फिर से वैसा ही खड़ा करता है।
आप शुद्ध आत्मा हो गए, इसलिए समझा बुझाकर अपनी गलती एक्सेप्ट करके भी छोड़ देना चाहिए। हम तो ज्ञानी पुरुष होने पर भी सारी गलतियां एक्सेप्ट करके केस को ख़त्म कर देते हैं। प्रश्न कर समझने जैसी बात मिलती है हमें। ये कोई नेगेटिव हमारे साथ करता है, हम नेगेटिव कर देते हैं। उसने मुँह फुलाया, द्वेषीला व्यवहार किया हमारे, तो हम भी द्वेषीला। उसको नहीं मानना है तो मरने दो, मैं बात नहीं करूँगा। उसको नहीं बोलना है तो मैं भी नहीं बोलूँगा। तो दादाजी बताते कि हमने सारी लाइफ वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो भी, हाँ भाई आदमी की गलती हो जाती, मेरी भी कुछ गलती हो गई होगी, चलो छोड़ दो, हम प्रेम से व्यवहार करें। थोड़ा खुद की गलती एक्सेप्ट करके भी, थोड़ा अहंकार को डाउन करके, उसको समझा पटा के, उसको खुश करके व्यवहार नॉर्मल कर देते थे। हमें ये सीखना है कि वो टेढ़ापन करे तो हमें टेढ़ा ही नहीं करनी है। ये तो ये संसार अज्ञान यानी साधारण समाज संसार का व्यवहार ऐसा ही होता है कि उसने व्यवहार बुरा किया तो आदमी लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वो प्रेम से भी बात करेगा तो मैं भी प्रेम से बात करूँगा, वो टेढ़ाई करेगा तो मैं भी टेढ़ाई करूँगा। वो और छूटना है, जिसे मोक्ष जाना है, जिसे एक एक फाइल को जीतना है, तो बुरा व्यवहार करे तो भी हम नॉर्मल व्यवहार करेंगे। और नॉर्मल व्यवहार करने के भी दादाजी रास्ता बता दिया, कुछ छोड़ दो भाई, समझा बुझा कर अपनी गलती एक्सेप्ट करके भी छोड़ देना चाहिए कि नहीं मेरी गलती होगी, चलो बात छोड़ो, हम प्रेम से व्यवहार करेंगे, एक दूसरे को दुख नहीं देना है। तो ये व्यवहार जो फाइल संभाव से निकाल करने के लिए हमारी जागृति यहाँ लानी पड़ेगी, तो वो सामने वाला वो डिस्चार्ज है उसका, और वो जानबूझ के नहीं करता है, उसकी प्रकृति अनुसार हो जाता है। उसके कषाय में है तो कषाय निकल जाएंगे, हम कषाय के साथ कषाय वाला व्यवहार नहीं करेंगे, हम प्रेम से व्यवहार करेंगे, संभाव से व्यवहार करेंगे। प्रश्न करता, जो ईर्ष्या होती है वह नहीं हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? दादाश्री, उसके दो उपाय हैं। ये सभी दोष के लिए ये सिंपल इक्वेशन दादाजी ने हमें इसके लिए बता दिया कि कोई भी दोष हुआ, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभाव है, सिंपल इक्वेशन अभी दादाजी बताते हैं, सुनेंगे। उसके दो उपाय हैं, ईर्ष्या हो जाने के बाद पश्चाताप करना चाहिए, और दूसरा, जो ईर्ष्या होती है वह ईर्ष्या आप नहीं करते, ईर्ष्या तो पूर्व जन्म के परमाणु भरे हुए हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसमें तन्मयकार नहीं होंगे तो ईर्ष्या उड़ जाएगी। ईर्ष्या होने के बाद पश्चाताप कर ले तो उत्तम है। ईर्ष्या हुई वो प्रकृति दोष है, उससे आप शुद्धात्मा जुदा हो, और शुद्धात्मा जुदा हो के ईर्ष्या के परमाणु को देखना यानी तन्मय आकार नहीं होना, वो फर्स्ट स्टेप है। और ईर्ष्या हुई किसको? तो कि चंदू को, तो चंदू को कहना है कि भाई आप प्रतिक्रमण करो, तो ये प्रतिक्रमण करने से ईर्ष्या का दोष धोया भी जाएगा, और जुदापन रखने से ईर्ष्या के नए कॉजेज नहीं गिरेंगे, नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। प्रश्नकर्ता, सामने वाले पर शंका नहीं करनी है, फिर भी शंका होती है तो उसे कैसे दूर करें? दादाश्री, वहाँ पर उसके शुद्ध आत्मा को याद करके क्षमा मांगनी चाहिए, उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। ये तो पहले गलतियाँ की थी इसलिए शंका होती है। अत्यंत राग है, मोह है, अपेक्षा है, और नहीं हो पाया तो बाद में द्वेष हो जाता है, ज़्यादा द्वेष हो गया तो शंका शुरू हो जाती है कि हमारे लिए ऐसा करेगा ऐसा करेगा, यानी पूर्व के गलतियों के वजह से आज ये परिणाम आ गया है। अब परिणाम के ऊपर माफ़ी मांगते रहो, और ये दो उपाय तो बताया है, जुदापन रखो और फाइल उनके पास प्रतिक्रमण कराओ, तो धीरे धीरे दोष खत्म होते जाएंगे। शंका है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, अपेक्षा है, अभिप्राय है, मोह है, अभाव है, तिरस्कार है, सभी प्रकार के दोष के लिए ये दो उपाय हमेश के लिए समझ लेना चाहिए कि जुदापन रखो और उसके प्रतिक्रमण कराओ। जंगल में जाएं और लौकिक ज्ञान के आधार पर अगर ऐसे विचार आए कि लुटेरा मिलेगा तो, अथवा शेर मिलेगा तो क्या होगा, ऐसा विचार आए तो उसी समय प्रतिक्रमण कर लेना।
शंका हुई तो बिगड़ेगा, शंका नहीं होने देना। किसी भी व्यक्ति पर शंका हो तो प्रतिक्रमण करना, शंका ही दुखदायी है। ये इसकी ज़्यादा दूसरे सत्संग में बातें दादाजी की निकली है। दादाजी क्या बताते हैं कि लुटेरा मिलेगा, तो लुटेरा को हम, ये लुटेरा है वो ही हमारी रॉन्ग बिलीफ है, वो तो शुद्ध आत्मा है, तो हमें उसको लुटेरा माना और लुटेरा लुटेगा, ऐसा है वैसा है, जंगल में ये करेगा, तो ये हमारा जो द्वेष होता है, भय लगता है, उसका रूट कॉज क्या है, तो उसको लुटेरा देखा, उसकी राइट बिलीफ में देखना चाहिए, वो तो शुद्ध आत्मा है और प्रकृति का हिसाब है। तो जितना उसको लिए नेगेटिव भाव हुए, तो उन्हीं शुद्ध आत्मा के पास माफ़ी मांगने के, ही शुद्ध आत्मा भगवान आपको लुटेरा माना, आप चोर माना, आप ऐसा नुकसान करोगे माना, सब मेरी गलती है, मैं क्षमा चाहता हूँ, और ज़बरदस्त प्रतिक्रमण हो गए तो वो लुटेरा मिलेगा तो भी लुटेगा नहीं, और लुटेरा हमें मिलेगा भी नहीं ज़्यादा करके, क्योंकि हमारी शंका वो नेगेटिव एविडेंस है, मिलेगा तो मिलेगा तो मिलेगा तो ये नेगेटिव एविडेंस हम सरकमस्टेंशियल एविडेंस में डालते हैं, तो नेगेटिव एविडेंस डाला मिलेगा, तो फिर नेगेटिव संयोग उत्पन्न होते हैं और संयोग वो लुटेरा का हमें मिलना, एक एविडेंस मिल जाता है उसमें, और हम प्रतिक्रमण किए, हमारे एविडेंस उड़ गए, तो अपने आप हमारी बस, हमारा गाड़ी जाने के बाद 2 मिनट के बाद वो लोग वहाँ आएंगे, हम एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रतिक्रमण से हमें उसको शुद्धात्मा देखा और शंका जो द्वेष हुए भय लगा सबके प्रतिक्रमण कर दिए, तो हम छूट जाएंगे। यानी जो भी व्यक्ति के प्रति शंका हो गई, ये आदमी चोर है, ये झूठा आदमी है, इसके साथ ये करना नहीं चाहिए, तो तुरंत ही प्रतिक्रमण करना चाहिए कि उनको झूठा माना, बुरा माना, तो कि नहीं वो बुरा पार्ट हमारी गलती से मैं देखता, आप तो शुद्धात्मा हो, शुद्ध ही हो, और बुराई अच्छाई वो निमित्त है, मेरा पुण्य पाप के आधार से वो बुराई अच्छाई करेगा, उनका दोष नहीं है। तुरंत निर्दोष देख लेना है, शुद्धात्मा देख लेना है, और दोष दिखाई दिए या दोष देख लिए उसके प्रतिक्रमण करने हैं, तो धीरे धीरे हम संसार से छूटेंगे। शंका होने पर प्रतिक्रमण करवा लेना, ये करवा लेना है ना, खुद शुद्धात्मा में रहो और चंदू के पास प्रतिक्रमण करवा लो। और हम तो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, हमें शंका क्यों होनी चाहिए? मनुष्य हैं इसलिए शंका तो होगी, लेकिन भूल हुई तो नकद प्रतिक्रमण कर लेना। यानी आप ज्ञान दशा में हो तो ब्रह्मांड के मालिक जैसे शुद्धात्मा पद, और अजागृति के स्टेप में आ गए तो फिर मनुष्य हो गए, तो फिर शंका उत्पन्न हो जाएगी, बुद्धि अहंकार आ जाएंगे, तो फिर उसके पास प्रतिक्रमण कराओ, पहले जुदापन रखो और सामने वाले को शुद्धात्मा देखो, और जो भूल हुई उसके प्रतिक्रमण कर लो। जिसके लिए शंका हुई उसका प्रतिक्रमण करना, वरना शंका आपको खा जाएगी। हाँ, शंका हुई यानि इतना बाद में बुद्धि, दादाजी के एग्जाम्पल बताते थे शंका के लिए, कि बहुत रात, घनी रात है अमावस्या की जैसी, और बीज चमक रही है, बारिश गिर रहा है, और बीज के एक चमकारे में हमने सांप को देखा, घर में गया, और बाद में पावर चला गया है, अंधेरा है, तो क्या हो जाएगा? और जिसने देखा कि सांप घर में आया और बाकी के लोग सो गए, तो उनको क्या होगा, और जिसने देखा उसको क्या होगा? जिसने देखा है उसकी, उसको शंका हो जाएगी, अभी सांप यहाँ से घुसा और दूसरी जगह से निकल गया, पर अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, निकल गया है, तो जब तक उसको ये शंका मिटेगी नहीं कि चला गया है, वहाँ तक उसको दुख रहेगा ही रहे। शंका ऐसी है सचमुच, व्यवस्थित, अभी व्यवस्थित का ज्ञान क्या कहता है कि हमारा हिसाब होगा तो ही हमें काटेगा, नहीं हिसाब होगा तो टच नहीं कर सकता है। व्यवस्थित के ज्ञान, दादाजी क्या बताए, हम तो व्यवस्थित के ज्ञान में रह के सो जाते हैं। हाँ, व्यवहार में उपाय करना है तो करेंगे, देखो लाइट वाइट टॉर्च बॉट लगा के दिखता है क्या इधर उधर, नहीं तो ये अज्ञान दशा में एक बार शंका घुस गई है, खुद को ही खत्म कर देगी। एक बार मनुष्य को शंका आ गई है तो वरना अपने खुद को ही खा जाएगी।